तो जैसे ही गाइस आज हम रिव्यू कर रहे हैं फोटोक्रोमेटिक लेंसेज को, ठीक है। मॉर्निंग में मैं आउटडोर्स हूँ और यहाँ पे सनलाइट के एक्सपोजर पे आते ही मेरी लेंस पूरी तरह से ब्लैक हो गई है। बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन होता है कि जैसे अगर आप ज़्यादा डार्क लेंस पहन रहे हैं ब्लैक, या ज़्यादा मतलब आपकी आंखें एकदम दिखाई नहीं दे रही तो प्रोटेक्टिव लेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एक वीडियो में बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, तो विजिबल लाइट उसी में आती है और यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज भी उसी में आती है, ठीक है। तो यूवी रेज एक्चुअली देखिए कुछ लाइट्स विजिबल होती हैं टू ह्यूमन आई, ठीक है, और कुछ लाइट विजिबल नहीं होती। जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में भी ब्लू लाइट और हार्मफुल लाइट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो नॉन विजिबल होते हैं ह्यूमन आई के लिए। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है, उस वेवलेंथ में होती है, वो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है आंखों को। तो ये फोटोक्रोमेटिक लेंस क्योंकि ये कंपनी से ऑथेंटिक लेंस आता है, ठीक है, इसमें सिल्वर क्लोराइड अप्लाइड होती है, तो यूवी के एक्सपोजर में आते ही वो काम करने लगता है और इसमें हमेशा ही यूवी और यूवी 100 और 400 प्रोटेक्शन रहता है। तो ये सनग्लासेस से काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट होता है, सनग्लासेस से काफ़ी अच्छा काम करता है। और दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, ये दिखता भी काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने थोड़ा लाइट शेड में इसको करवाया है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सनग्लासेस से भी इसको कंपेयर करके देखा, लेकिन मेरे को इसमें ज़्यादा आराम मिल रहा है, ठीक है। और सनलाइट की तरफ मैं डायरेक्ट देख भी सकता हूँ, देखिए, ठीक है, वो सूरज है तो मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ उसकी तरफ, मुझे इसमें दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लग रहा है मेरे को और काफ़ी स्टाइलिश भी लग रहा है। तो एक फोटोक्रोमेटिक लेंस ज़रूर रखिएगा और हो सके तो उसमें एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग भी अप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि नाइट टाइम में जो ये ब्लैकिश इफेक्ट रह जाता है फोटोक्रोमेटिक लेंस का, वो नहीं रहेगा। और दूसरा चीज़ है, नाइट टाइम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग। एक तो ये दिखेगा बड़ा स्टाइलिश, और दूसरा चीज़ है आपको अभी बाइक्स वगैरह चलाते हैं तो फ्लाइज या किसी भी तरह का धूल मैल आपकी आंखों पे नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन ये देगा, ये एंटी ग्लेयर होता है जो लो लाइटिंग कंडीशन में ड्यूरिंग नाइट टाइम मैक्सिमम एरिया में जहाँ पे आपको अगर लाइट नहीं मिला तो आपको बहुत ज़्यादा ये विजिबिलिटी एनहांस करेगा, क्योंकि 99.5% लाइट ट्रांसमिट करवा देते हैं एंटी ग्लेयर लेंसेज, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो भी पूरा देखिए, ठीक है। मैं इसको सनग्लास के साथ भी ये कंपेयर करके दिखा रहा हूँ वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में और छोटा सा वीडियो है पूरा देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपना फोटोक्रोमेटिक लेंस डाला हुआ है और ये है इसका इम्पैक्ट। मैं धूप में बैठा हूँ और ये ऐसा डार्क हो गया है, ठीक है। तो बहुत लोगों को एक्चुअली ज़्यादा डार्क लेंसेज चाहिए नहीं होता है, लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइट टिंट मतलब लाइट डार्क और इसको बहुत ज़्यादा डार्क भी करवा सकते हैं। आप जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे ऑप्टिशियन आपको वैसा ही ग्लास रेडी करवा कर दे देंगे। लेकिन मैं इसका अगर यूज़फुलनेस या इसकी यूटिलिटी की अगर बात करता हूँ कि कैसा मेरे को फील हो रहा है, तो धूप में मैं बैठा हुआ हूँ अभी और काफ़ी अच्छा है, मेरे को काफ़ी सूदिंग लग रहा है, ठीक है, आँखों को काफ़ी आराम मिल रहा है। मैंने एक सनग्लास भी लिया है तो आप देख सकते हैं ये इतना डार्क है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ज़्यादा ओल्ड नहीं है मेरा स्पेक, ये लगभग मेरे को एक या दो दिन हुए हैं इसको यूज़ करते हुए, तो जैसे जैसे हीट इस पर पड़ते हुए रहेगा वैसे ही ये ज़्यादा डार्क होता रहेगा, ठीक है, जितना ओल्ड होगा ये लेंस। और साथ ही इसमें एंटी ग्लेयर भी है तो रात को भी देखिए इसमें ग्रीनिश रिफ्लेक्शन भी आ रहा होगा, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एंटी ग्लेयर लेंस इसमें ARC कोटिंग भी अप्लाइड है, जो कि मेरे को नाइट टाइम में लो लाइटिंग कंडीशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और ये जो एक फोटोक्रोमेटिक लेंस का डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कहूँगा, शॉर्टकमिंग सब कह सकते हैं, कि ये लेंस पे हीट लगते लगते रात को भी बहुत समय इसमें एक डार्कनेस आ जाता है, ठीक है, एक लाइट येलोइश कलर का एक टेंट होता है, क्योंकि इसमें हीट लगते हुए क्या होता है, क्योंकि ये बार बार सिल्वर क्लोराइड होने के कारण जैसे यूवी के एक्सपोज में होता है ये ब्लैक हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक जैसे ही आप घर के अंदर जाते हैं या जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच सकती वो वाइट हो जाते हैं। तो इससे वो एक डार्कनेस या ब्लैक कलर एक लेंस के ऊपर हमेशा स्टे किए हुए रहता है नाइट को भी, तो उससे दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैंने एंटी ग्लेयर कोटिंग भी अप्लाई किया है जिससे शेडो या वो ब्लैक जो इम्पैक्ट है वो एलिमिनेट होगा। तो देखिए ये मेरा फोटोक्रोमेटिक लेंस है, साथ ही मैंने एक सनग्लास भी रखा, देखिए
तो बहुत लोगों को ना इतना डार्क लेंस चाहिए नहीं होता। अब मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ गाइस, देखिए मैंने सनग्लास ये ब्लैक कलर का डाला हुआ है, जैसे ही मैं इसको देखता हूँ तो इससे बेटर, लेकिन वो हल्का है, ठीक है, वो लाइट है, उससे मेरी आंखें भी दिख रही है, इसमें से मेरी आंखें विजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क है, लेकिन मेरे को ज़्यादा सूदिंग ये लग रहा है क्योंकि ये जेन्युइन और ऑथेंटिक लेंस होता है, ठीक है, ज़्यादा आराम मेरे को इसको पहन के लग रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि डार्कनेस से कुछ होता नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर लेंस डार्क है या वो ब्लैक कलर का है तो ज़्यादा डार्क होने के कारण वो ज़्यादा यूवी या यूवीए 100 या 400 प्रोटेक्शन देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डार्कनेस होने से यू नो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए लाइट शेड इसमें मेरी आँखें भी दिख रही है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये लाइट शेड ही बहुत लोगों को चाहिए अभी, यही ट्रेंड में है, ठीक है, जिससे आपकी आंखें हल्की हल्की विजिबल हो, और एक ट्रेंड भी है फोटोक्रोमेटिक का भी, अलग अलग कलर होता है, आप इसको बॉटल ग्रीन में भी ले सकते हैं, जैसे मेरा थोड़ा ग्रेइश में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आई केयर और आई वी एयर इंडस्ट्री के ऊपर देखने के लिए। मैं एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपको ला के देता रहूँगा, साथ ही जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी इस फील्ड में, मेरा चैनल डेजिग्नेटेड है इसी के ऊपर, एंड आई एम एन ऑप्टिशियन, तो मैं आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। उम्मीद करता हूँ पसंद आया वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको मेरे से प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए, उसके ऊपर आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा। चलिए बाय।